नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एविएशन यानी एयरलाइंस के क्षेत्र में एक और फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी है वो अलायंस एयर कनेक्टिंग इंडिया में आया है। बात करेंगे इसमें मेनली हम फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। तो 2 अगस्त 2024 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अलायंस एयर एविएशन के तरफ से। इसमें हम बात करेंगे अगर फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में, तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट है फार्मासिस्ट के वैकेंसी का। आपका जो पोस्टिंग होने वाली है वो दिल्ली में होने वाली है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो इसमें दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए। इसके साथ ही आपको रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी दोनों के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है, क्योंकि ये एयरलाइंस के क्षेत्र में फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। तो जो केबिन क्रू होता है या ग्राउंड स्टाफ होता है, उनको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उनको आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना है जो कि प्रिस्क्राइब करेंगे कंपनी के डॉक्टर। इसके साथ ही कोई भी एयर क्रू और ग्राउंड स्टाफ को टेस्टिंग के लिए अगर कुछ जाता है तो भी आपको वो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स रखा गया है। अपर एज लिमिट एससी एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो 29,516 रुपये आपका पर मंथ सैलरी रहने वाला है। ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, फिक्स टर्म वैकेंसी है। अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहा यानी अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो ये जो फिक्स टर्म यानी आपका जो टेन्योर है वो आगे भी बढ़ सकता है। अब इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि ये एयरलाइंस के क्षेत्र का जॉब है तो इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा, कंसेशनल एयर पासेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि कैसे कंसेशनल एयर पासेस मिलेंगे आपको। तो आपको सेल्फ के लिए और डिक्लेयर्ड फैमिली के लिए अलायंस एयर नेटवर्क के तरफ से पासेज मिलेंगे जिसको आप एयर फेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसके साथ ही एडिशनल बेनिफिट में यहां आप देख सकते हैं प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ ग्रेजुएटी भी आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन पे जाएंगे, कैरियर पेज पर जाएंगे अलायंस एयर के। जैसे ही आप अलायंस एयर के कैरियर पेज पर जाते हो, यहाँ पर आप देखोगे सेकंड वैकेंसी जो है एडवर्टाइजमेंट एजीएम एडमिन एंड फार्मासिस्ट का। इसका 2 अगस्त 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है और इसका एंड डेट जो है वो 16/8/2024 यानी 16 अगस्त 2024 होने वाला है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इस पर एनवेलप पे जरूर लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर फार्मासिस्ट और ये है इसका एड्रेस, इस पर आपको भेजना है। एप्लीकेशन रिसीविंग का जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2024 रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ एग्जामिनेशन फीस भी है या एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी है। तो जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल करना है, देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रीवियस सैलरी, ये सब चीज का फोटोकॉपी अटैच करना है और एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अलायंस एयर इंडिया, अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो इसमें इसका एप्लीकेशन भी अटैच है जिसमें आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर फार्मासिस्ट, यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो, नेम, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ये सभी कुछ फिल करना है। देन आपने जो 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाया है तो उस डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, कौन से डेट को बना है, ये सब कुछ फिल करना है। देन आपके एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर फिल करना है और आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी यहाँ फिल करना है। आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पासपोर्ट का नंबर भी मांगा गया है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब मांगा गया है। तो ये सब फिल करके आपको भेजना है।
यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है, और भी आप जानकारी के लिए आप एविएशन एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन में देख सकते हो। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।